Good evening, friends. I, CA Kirti Joshi, on behalf of Tax Practitioners Association Indore, welcomes you all. और आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, यूज ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ इन डे टू डे लाइफ. और उसके लिए हमारे बीच में हमारे आज के जो स्पीकर हैं, सीए पंकज जी शाह, बहुत ही लर्निड स्पीकर हमारे बीच में आज उपस्थित हैं. तो आपका स्वागत है पंकज जी, ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन इंदौर. और मैं हमारे टीपीए के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया कर आए और अपना स्वागतीय उद्घोषण दें. सर, थैंक यू कीर्ति. नमस्कार दोस्तों, रिस्पेक्टेड मेंबर्स. आज का जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का, वो बहुत ही डिफरेंट और नॉवेल है. एक्चुअली अगर हम देखें कि जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो या कोई भी हमारी प्रैक्टिस हो, अश्योरेंस प्रैक्टिस हो, उसमें हमें समय समय पर कई बार वेरियस सिविल लॉस और अदर लॉस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जिनको कि हम इकोनॉमिक लॉ या कमर्शियल लॉस बोलते हैं. जैसे कि अब आप देखें कि कोई भी व्यापारी है, कोई भी इंडस्ट्री है, काम कर रही है, तो उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एविडेंस एक्ट, इनकम टैक्स, हमारी टैक्सेशन प्रैक्टिस में इन सब चीज़ों की भी काफ़ी जरूरत पड़ती है. हमें बेसिक नॉलेज, हमें जरूरी नहीं कि हम बहुत एक्सपर्ट हों उसमें, लेकिन इन सभी अलाइड लॉस का एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है. अगर वो बेसिक नॉलेज हमें नहीं रहता है तो हमें कई बार हमारे क्लाइंट्स को गलत राय देने में भी आती है. अगर बेसिकली मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग टैक्स प्रैक्टिस करते हैं तो लॉ का नॉलेज बहुत ही जरूरी है. अगर हमने लॉ की लीगल डिग्री नहीं भी ली है तो हमारे पास कई तरीके हैं जिनसे हम अपना लीगल नॉलेज अपडेट कर सकते हैं. पंकज से मेरी बात चल रही थी, पंकज ने अभी रिसेंटली इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की एग्जाम पास की है और वो अभी इस समय सर्टिफाइड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन गए हैं. मैं उनको इस बात की बधाई देता हूँ. और तभी ये विचार आया, जब उन्होंने स्टडी करी तो बहुत सारे लॉस की स्टडी करना पड़ती है इसमें आईआरपी एग्जाम के अंदर, उसने बताया कि साहब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटी छोटी है, जो हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है. फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई इन सब चीज़ों को कंपाइल करके अलग अलग एक्ट्स, फिर वो कंपनीज एक्ट हो या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, कोई सा भी एक्ट हो, कई सारे एक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट कमर्शियल और इकोनॉमिक लॉस हैं, उनका एक वो कंपाइलेशन करे और उनके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें आज के वेबिनार में. तो हम लोग आज देखेंगे कि बहुत सारे लॉस के अंदर अलग अलग इम्पोर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण बातें क्या है जो हमको जानना चाहिए. तो इसी के साथ मैं, मुझे आशा करता हूं कि आज के वेबिनार में हम लोगों का लीगल का, लीगल बैकग्राउंड का, लीगल साइड का एक बेसिक नॉलेज अपग्रेडेशन होगा. इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और ये कामना करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे. ओवर टू कीर्ति. थैंक यू सर. और पंकज भाई का वैसे अतिथि परिचय देने के लिए ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बोलूं, घर के ही व्यक्ति हैं और शायद हर व्यक्ति पंकज भाई को पहचानता है, बट फिर भी निर्वाह करते हुए पंकज भाई जो है वो हमारे इंदौर सीए ब्रांच के पूर्व चेयरमैन रहे हैं और साथ ही अभी मैनेजिंग कमेटी में हैं. और पंकज भाई टीपीए में भी मैनेजिंग कमेटी में रह चुके हैं और टीपीए की सतत सेवाएं करते रहे हैं. पिछले लगभग 8 सालों से मैं देख रहा हूँ पंकज भाई को कि टीपीए में हमारे यहाँ कोई भी इवेंट होता है तो पंकज भाई उसके लिए बिल्कुल हमारे साथ खड़े रहते हैं. पंकज भाई सीए, सीएस और अभी फिलहाल पीएचडी परसुइंग है. अभी सर ने जैसा बताया कि लॉ प्रोफेशनल डीसा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद बीबीए पंकज भाई को एक अलग से कार्ड बनवाना पड़ेगा जिसपे केवल डिग्री लिखी हो. तो लगभग इतनी डिग्री पे पंकज भाई अपना वरदहस्त जो है वो साबित कर चुके हैं. और विदाउट टेकिंग मच टाइम, मैं रिक्वेस्ट टू पंकज भाई. पंकज भाई ओवर टू. धन्यवाद कीर्ति भाई. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनोज गुप्ता जी का कि उन्होंने आज के इस टॉपिक के लिए मुझे प्रोत्साहित किया. जैसे ही मैंने सर को बताया कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम जानते भी नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की पढ़ाई के दौरान पता चली. उसमें से जब कुछ चीज़ें मैंने सर के साथ शेयर की तो मनोज गुप्ता जी ने बताया कि ये
कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद हमारे हर मेंबर को पता होना जरूरी है। इसके अलावा हमारे मस्तिष्क में भी कई सारी ऐसी धारणाएं हैं कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, और जो सही भी थी, पर जैसा मेरे मित्र कीर्ति भाई कहते हैं, बचकर रहना दुनिया की परछाई से, लोग यहाँ पहाड़ बना देते हैं राई से, बनना है तो बहता हुआ जल बनो, क्योंकि ठहरा हुआ जल ढक जाता है अपनी काई से। तो समय परिवर्तनशील है और कई सारे जो बेसिक कंसेप्ट हमारे दिमाग में थे वो बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, इसलिए भी हमें बहुत कुछ अपने आप को अपडेट करना जरूरी है, जो हम जानते थे, जो हम रोज जिसमें डील नहीं करते, पर एक बेसिक नॉलेज है। हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के सब सदस्य मेरी बात से वाकिफ होंगे कि पहले जो क्लाइंटेल होते थे हमारे, वो हमें वकील साहब कह के बुलाते थे कि वकील साहब ये देख लेना, वकील साहब ये देख लेना। हमारे क्लाइंट को शायद हमसे ये आशा रहती है कि हम सारी चीज़ों का नॉलेज रखें, और हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम कई सारे जो डेवलपमेंट्स हैं, अलग अलग लॉ हैं, उनका नॉलेज रखें। तो आज मैं 56 भोग की थाली आपके लिए सजा के लाया हूँ, जिसमें हमें पेट भर खाना तो नहीं मिलेगा, पर हाँ, हमें हर आइटम को चखना पड़ेगा और उससे हमारा पेट जरूर भर जाएगा। एक एक आइटम, एक एक लॉ की कोई अनोखी चीज है जो हो सकता है हमें पता भी हो, पर एक सार्वजनिक इंटरेस्ट के हिसाब से जो आज के समय में महत्वपूर्ण है, और कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं खड़ी हो रही है, वो सब इसके थ्रू हम चर्चा करेंगे। हमारे देश में जैसे ही पहले ही कहा जाता है कि नॉलेज, अगर आपको लॉ का नॉलेज नहीं है तो वो एक्सक्यूज नहीं कहलाता, पर अपने आप में यह बात भी अब सुप्रीम कोर्ट ने नकार दी है कि भैया एवरी पर्सन कैन नॉट बी सेड टू नो द लॉज। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आप मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे तो इसको टाइटल दिया है यूज ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज इन डे टू डे लाइफ। इकोनॉमिक लॉज, कमर्शियल लॉज, जो हमारी व्यवहार की परिभाषा है, व्यवहार के लॉज हैं, उनके ऊपर ये आज का सेमिनार है। अब मेरी अगली स्लाइड आप देखेंगे तो हम पहले आज के, मैं ये मानता हूं कि आज के सेमिनार के पहले हम एक व्यक्ति थे जो इनकम टैक्स और जीएसटी का ये जो पिंजरा है इसके अंदर कैद थे पूरी तरह से। हमारा दिमाग इसी के बारे में सोचता था, इसी के परिप्रेक्ष्य में सोचता था, पर आज के सेमिनार के बाद मैं आशा करूंगा कि ये पिंजरा हम खोल दें और हमारे दिमाग को जो कमर्शियल वर्ल्ड है उसके अंदर घूमने दें। ये बहुत जरूरी इसलिए भी है, आज मैं आपके थॉट्स को प्रोवोक करूंगा, केवल मैं आपको बहुत डिटेल्ड नॉलेज कोई देने वाला हूं ऐसा नहीं है, पर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंटर्स दूंगा जिसपे से फिर आपको लगे तो आप फर्दर रिसर्च खुद भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई टॉपिक इसमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें हमें और सेमिनार्स करने चाहिए, तो आप मनोज गुप्ता जी से निवेदन कर सकते हैं कि टीपीए से इन टॉपिक्स पे और डिटेल सेमिनार ऑर्गेनाइज करें। ये जो टॉपिक्स हैं इसमें मैंने जो जनरल एक्ट्स हैं, जो कमर्शियल लॉज हैं हमारे अद्यतन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो 1872 से लेकर वो एक्ट आज भी चल रहा है, ऑलमोस्ट 150 साल पुराना ये एक्ट है। पर उस समय भी ये जो एक्ट जिस तरीके से बने हैं वो इतने अच्छे तरीके से बने हैं कि आज भी उसके बेसिक प्रिंसिपल प्रिवेल कर रहे हैं। इन लॉज, इन पुराने लॉज को इंटरप्रिट किया गया है हमारे कोर्ट्स ने, तो उसको भी हम चर्चा उसमें करेंगे आगे कि कोर्ट्स ने इस लॉ को अब क्या दिशा दी है। हम शुरुआत करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जो लगभग हम सब लोग जानते हैं। अंग्रेजों के समय में ये जब एक्ट 1872 में बना था तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था और लगभग सारे व्यापार के ट्रांजेक्शन इस एकमात्र एक्ट से गवर्न होते थे। फिर जैसे जैसे चीजें बढ़ी, जैसे परचेज सेल के ट्रांजेक्शन, पहले सारी चीजें इसी में गवर्न होती थी, पर परचेज सेल में विवाद होने लगे, उसमें लगा कि कुछ और नई चीजों की जरूरत है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सेक्शन निकाल के सेल ऑफ गुड्स एक्ट बन गया। आप देखें, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, पर उसको इसमें से हटा दिया और अपने आप में नया एक्ट बन गया। इसी प्रकार से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकल के आगे बना है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में एक मदर एक्ट है और इसका एक एक प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें
जिसकी अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं जो एस्पेक्ट्स को डील करूंगा, जो हम रोजमर्रा में आज के समय में देख रहे हैं कि यस सर सॉरी आपका वो पीपीटी क्लोज हो गया सर। ओके जस्ट वो सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया वो वाला। ओके ओके तो हम जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन रहती है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या? परफॉर्मेंस मतलब मैंने अगर किसी से कुछ प्रॉमिस किया है कि मुझे ये वाला एस्पेक्ट चाहिए, या मुझे सपोज मैरिज गार्डन में मैंने शादी के लिए हॉल बुक किया, मैंने बोल रखा है कि ये मैरिज गार्डन के अंदर आपको मुझे सपोज एयर कंडीशन्ड हॉल होना चाहिए, ऐसी कई सारी मैंने कंडीशंस उसके अंदर ले डाउन करी। अब ये कंडीशंस ले डाउन होने के बाद मुझे जब वो मैरिज गार्डन मिला तो उसमें एसी काम नहीं कर रहा था। अब ये मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, क्या इसका परफॉर्मेंस प्रॉपरली हो पाया? जवाब है नहीं। मैंने जिस तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए रिक्वेस्ट की थी, ये उस तरीके से नहीं हो पाया, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए सामने वाले से डैमेजेस रिकवर कर सकता हूं। पर आज के समय में हम बात करें, कई सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पर हमें डिजायर्ड सर्विसेज नहीं मिली, पर हम उसके केस कर हो सकता है नहीं हो सकता उस पर क्लाइंट को कई बार एडवाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप देखें, सबसे पहले जो सेक्शन 50 है, मेरा प्रेजेंटेशन मैं कनेक्ट कर लेता हूं एक बार। जी अब देखें, शायद प्रेजेंटेशन विजिबल हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे होता है, ये तो हम सबको मालूम है, पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। जैसे कई केसेस में देखा गया अभी कि लोगों ने शादी के लिए हॉल्स बुकिंग वगैरह कर रखी थी, पर कोविड के कारण फिर उनको जो उन्होंने पैसा दे रखा था, अगर सामने वाला प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा है तो वो पैसा वापस नहीं मिल रहा है। इस तरीके की अलग अलग समस्याएं हैं। तो ये परफॉर्मेंस में जब भी कोई इश्यू आता है तो हम इसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, और अगर परफॉर्मेंस जैसा एग्रीड था वैसा नहीं हुआ है तो वी आर एंटाइटल फॉर द ब्रीच डैमेजेस। अब हम बात करें कि ये कोविड के कारण अगर ये सिचुएशन आई है कि हमें जो मिलना चाहिए था, जो सर्विसेज मिलनी चाहिए थी, जो परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है, तो भी क्या हो सकता है कि हम सामने वाले से डैमेजेस ले सकें? ऐसा नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि एक क्लॉज होता है फोर्स मेजोरे, इसका मतलब एक्ट ऑफ गॉड। कोई ऐसी चीज जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने वाला है उसके बस में नहीं है। ऐसे कई चीजें होती है, भूकंप आ जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे COVID-19 है, इसको भी WHO ने और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पेंडेमिक घोषित किया है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इस पेंडेमिक के कारण हमने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो अब हमारे लिए परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है, या उस तरीके से उसको अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि शादी के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा कि 1000 प्लेट का ऑर्डर दिया, पर सामने वाला जो जो गवर्नमेंट की कंडीशन है कि 50 से ज्यादा लोगों को आप नहीं बुला सकते, तो फिर ये कंडीशंस फोर्स मेजोरी में आ जाएगी और परफॉर्मेंस सामने वाला नहीं कर पाएगा। तो जब भी कोई भी एग्रीमेंट होता है तो फोर्स मेजोर उस एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज होता है, उसके हिसाब से होता। हम देखें कोई भी एग्रीमेंट अगर आप उठा के देखें तो उसमें फोर्स मेजोरे का क्लॉज होता ही है कि इस तरीके की अनसर्टेनिटी में किस तरीके से उसको रिजोल्व किया जाएगा। तो जहां पर भी ये फोर्स मेजोरे का क्लॉज है वहां तो इसके हिसाब से रिजोल्यूशन होगा, पर कई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहां ये फोर्स मेजोरे का क्लॉज ना हो। अब दो सिचुएशन होती है इसके अंदर। अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर फोर्स मेजोरे का क्लॉज है तो उन केसेस के अंदर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होगा, जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है।
अगर कोई कंटिजेंसी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट है और वो कंटिजेंटी अगर इम्पॉसिबल हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप वॉइड हो जाएगा। पर ये वॉइड कब होगा, तो जैसे अगर क्लॉज है तो उसमें लिखा रहता है कि 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 6 महीने लिखा हुआ रहता है, तो वो पीरियड अगर आपका सेटिस्फाई हो जाता है तो फोर्स मेजोर का क्लॉज उस हिसाब से इम्प्लीमेंट होगा। पर अगर कोई भी क्लॉज फोर्स मेजोर से रिलेटेड नहीं है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्या हमें फोर्स मेजोर का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? फोर्स मेजोर से सिंपल सी चीज ये है कि मैंने और एक्स व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर वो सामने वाला मुझे एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, जैसे कोविड की वजह से जो मैंने उससे सर्विस देने का कहा था वो नहीं दे पा रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के अगेंस्ट में मैं उसके ऊपर जो एक्शन ले सकता था वो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए ये संभव ही नहीं है। तो दोनों में से कोई भी पार्टी किसी भी तरीके से ऐसी सिचुएशन में ना पड़ जाए जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट उसको निभाना फ्रस्ट्रेट हो रहा हो। तो इसीलिए जहां पर भी कोई ऐसा क्लॉज नहीं है फोर्स मेजोर का, तो वहां पर फिर सेक्शन 56 डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये लग जाता है कि सामने वाले के लिए अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो भले ही वो कोई भी फोर्स मेजोर का क्लॉज नहीं है, पर वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसके इसमें एप्लीकेबल होगा सेक्शन 56, और वहां पर भी वो कॉन्ट्रैक्ट फिर उसे अगर वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए इम्प्लीमेंट करना या इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू इम्प्लीमेंट, तो उन केसेस के अंदर फिर वो कोई भी पेनल्टी के लिए लायबल नहीं रहेगा। तो ये अपने आप में फोर्स मेजोर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स मेजोर का क्लॉज हो या ना हो, दोनों सिचुएशन के अंदर दोनों पार्टीज प्रेजुडाइज नहीं हो सकती। क्लॉज अगर है तो सेक्शन 32 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है इम्पॉसिबिलिटी का, वो गवर्न करेगा, और नहीं है तो सेक्शन 56 के अंदर हमें देना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को अराइज तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में फिर वॉइड हो जाएगा। ये फोर्स मेजोर के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए 2020 का एक डिसीजन है दिल्ली हाई कोर्ट का। अब इस डिसीजन में हेली बर्टन ऑफशोर सर्विसेज वर्सेस वेदांता है, जिसमें वेदांता और हेली बर्टन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके लिए बैंक गारंटीज दी गई थी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी परफॉर्म करने वाली थी वो परफॉर्म नहीं कर पाई, तो जो रिस्पोंडेंट कंपनी है वेदांता उसने बैंक गारंटीज इन्वोक कर दी। बैंक गारंटीज इन्वोक कर दी तो ये हाईकोर्ट के अंदर गया मैटर। हाईकोर्ट में मैटर गया तो कोर्ट ने फाइंडिंग दी दैट देयर वाज अ कंट्री वाइड लॉकडाउन व्हिच केम इनटू प्लेस ऑन 24th मार्च एंड प्राइमा फेसिया इट इज इन द नेचर ऑफ फोर्स मेजोर, सच ए लॉकडाउन इज अनप्रेसिडेंटेड एंड वाज इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रेडिक्टेड बाय ईदर ऑफ द पार्टीज। दोनों में से कोई भी पार्टी ये कह नहीं सकते थे कि इस प्रकार का कोई लॉकडाउन लगेगा। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता और उसके बाद भी आपको एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है, उस समय तक ये बैंक गारंटी को आप इन्वोक नहीं कर सकते, और जो इन्वोक की थी उसको रिस्ट्रेन कर दिया। ये एक रिसेंट केस लॉ है 2020 का, जिसमें फोर्स मेजोर को कोविड के सिचुएशन में डिस्कस करके उन्होंने बैंक गारंटी जो इन्वोक की गई थी उसको रिस्ट्रेन कर दिया। तो इसलिए ये कोविड के केसेस में कहीं भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो क्लॉज हो या ना हो, दोनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू हम रेमेडी ले सकते हैं। हम उसमें टाइम भी ले सकते हैं सामने वाली पार्टी से कि आप 6 महीने बाद, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैंकों का कि बैंकों ने जो 3 महीने का मोरेटोरियम दे दिया, सिमिलरली कई सारे मॉल्स के अंदर भी देखा जा रहा है कि म्यूचुअली ही डिस्कस करके मॉल्स अभी किराया नहीं ले रही है, क्योंकि जब तक जो टेनेंट्स हैं वो सिचुएशन में नहीं आ जाते, वहां पर जब तक फुटफॉल नहीं हो जाता, जब तक उनकी सेल नहीं हो जाती, तब तक दे आर नॉट इन द एबल टू परफॉर्म द देयर सर्विसेज, तो वो रेंट नहीं दे सकते। इसलिए जहां पर भी म्यूचुअल है दैट इज बेस्ट, वेल एंड गुड, और कहीं भी अगर म्यूचुअल नहीं है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 56 और 32 का रिकोर्स लेके कोर्ट के अंदर जा सकते हैं एंड यू विल बी सेव्ड फ्रॉम एनी डैमेजेस और एनी जेन्युइन हार्डशिप व्हिच मे प्रिवेल। इसके बाद एक और कंसेप्ट होता है अनकॉन्शनेबल बार्गेन। अब आप कहेंगे ये क्या है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अनकॉन्शनेबल बार्गेन का मतलब ये
कि जहां पर दो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों एक बराबर नहीं है, एक व्यक्ति इतना बड़ा है और दूसरा व्यक्ति बहुत छोटा है, तो वो बड़ा व्यक्ति जो कहेगा छोटे व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं है कि उस व्यक्ति को मना कर दे, और ऐसी कंडीशन जो वो नॉर्मल कोर्स में एक्सेप्ट नहीं करता वह भी उसे एक्सेप्ट करना पड़ी क्योंकि वो जो बड़े व्यक्ति का दबाव है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैंने फेसबुक इंस्टॉल करने के लिए अपना मोबाइल खोला, उसमें प्ले स्टोर पे गया और फेसबुक इंस्टॉल के लिए मैंने उसमें क्लिक किया। फेसबुक वाले ने पहले एक लंबा चौड़ा 8 पेज का कुछ कुछ छोटे छोटे अक्षरों में लिख के दे दिया और आखिरी में लिख दिया आई एग्री पे टिक करो और एग्री करो तभी आप ये ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। अब मुझे फेसबुक को डाउनलोड करना है, मैंने वो एग्रीमेंट पढ़ा और वो एग्रीमेंट पढ़ के मैंने बोला अरे ये तो मेरी प्राइवेसी के लिए बहुत डेंजरस है, तो मैंने फेसबुक को बोला भैया मैं एग्रीमेंट जो है ये एंटर नहीं कर सकता क्योंकि ये कंडीशन आपकी जो है मेरे लिए बहुत प्रिजुडिशियल है ऐसा है। फेसबुक ने बोला ठीक है मत करो, बाहर हो जाओ, नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट। तो वो जो सिचुएशन में बैठा है, इसी प्रकार से इंश्योरेंस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो शायद हमें एक्सेप्टेबल नहीं हो फिर भी हमें मजबूरी में वो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स मजबूरी में होते हैं उन्हें कहा जाता है अनकॉन्शनेबल बार्गेन, मतलब हमारा कॉन्शियस जिन चीजों को अलाउ नहीं कर रहा था फिर भी क्योंकि हम बार्गेनिंग सिचुएशन में नहीं है इसलिए मजबूरी में हमारे ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट लाद दिया गया, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्री करना पड़ा। जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो फिर कोर्ट की कई सारी रूलिंग्स हैं कि ऐसे अनकॉन्शनेबल बार्गेन अगर वो प्रूव हो जाता है उस केस में फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की वो नहीं रहेगी या कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर प्रिजुडाइज नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड घोषित हो सकता है, वॉइडेबल घोषित हो सकता है। तो इसलिए ये अनकॉन्शनेबल बार्गेन कई बार हमारे काम तब आ सकता है जब हमें लगता है कि यार हमने कोई एग्रीमेंट कर दिया, मजबूरी थी, मजबूरी में बहुत प्रिजुडिशियल एग्रीमेंट कर दिया, फिर बाद में हमें लगा कि यार अब हम ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं अगर आप प्रूव कर देते हैं कि दैट वॉज एन अनकॉन्शनेबल बार्गेन। तो ये जितने हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं इस प्रकार से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हम एंटर करते हैं जहां पर हमारे बस में नहीं रहता, हमें सिर्फ आई एग्री दबाना रहता है, उसके अलावा या तो हम आई एग्री दबाएं या निकल जाएं। तो ऐसी सिचुएशन जब हम फंस जाते हैं कि हमें उनको यूज करना ही है, इन ऑल दोस केसेस ये अनकॉन्शनेबल बार्गेन का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन है दिस कैन बी वेरी यूजफुल फॉर अस। देन कई बार ये होता है कि हम गलती से कोई अमाउंट किसी को पे कर देते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि आप कोई अमाउंट बैंक में पेमेंट कर रहे हैं, एक्स व्यक्ति को पेमेंट करना है, आपने गलती से वाई व्यक्ति को वो पेमेंट कर दिया ऑनलाइन। इस तरीके से मिस्टेक के तहत कई सारे पेमेंट हो सकते हैं। अगर कोई भी पेमेंट मिस्टेक के तहत हुआ है या गलती से हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके लिए भी सेफगार्ड देता है। सेक्शन 72 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है जो बोलता है अ पर्सन टू हूम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक, गलती से दे दिया या जबरदस्ती उसने मुझसे छीन लिया, कोअर्जन, मस्ट रीपे और रिट्रीव इट। तो अगर कहीं भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप सेक्शन 72 के तहत उस मिस्टेक के पेमेंट को रीपेमेंट लेने के लिए या रिट्रीव करने के लिए सिविल सूट फाइल कर सकते हैं सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसी प्रोविजन को कंस्ट्रू करके बीएम लखानी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि कई बार टैक्स भी गलती से पे हो जाता है, तो अगर गलती से टैक्स का पेमेंट हो गया है तो गवर्नमेंट उसको रख नहीं सकती, दे हैव टू रिफंड दैट मिस्टेकन टैक्स टू अस। अब आप कहेंगे कि ये गवर्नमेंट करती नहीं है, प्रोविजंस है, आप उन प्रोविजंस के थ्रू जाएं एक तो, और अगर उसके थ्रू आपको नहीं मिल रहा है तो आप रिट पिटीशन इसके अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं। एंड कई केसेस ऐसे हैं जहां अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट है और आपने जो बेसिक स्टेप्स है वो कर लिए फिर भी डिपार्टमेंट अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो यू शुड डेफिनेटली गो इन अ रिट। और सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रीड विद बीएम लखानी केस सुप्रीम कोर्ट, आपको उन केसेस में मदद मिल जाएगी और अगर बड़ा अमाउंट है तो आपको जल्दी से जल्दी वो अमाउंट रिफंड हो जाएगा क्योंकि नोबडी कैन बी अनजस्टली एनरिच्ड। तो इसलिए अगर कोई गलती से पेमेंट किया है तो यू हैव राइट टू रिकवर इट। इसके बाद एक कंसेप्ट होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। नॉर्मली अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा के आपने कर दिया है
तो वो वॉइडेबल होता है। इसका एक सबसे कॉमन यूज हमने देखा है कि कई बार विल चैलेंज होती है, और विल चैलेंज करने में सबसे बड़ा जो ग्राउंड रहता है वो रहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक पिता की दो संतान थी, एक बेटा जो बहुत लायक था, पिता उसी के साथ रहते थे, दूसरा बेटा थोड़ा सा विचित्र स्वभाव का था, उसका उसके पिताजी से झगड़ा हुआ और वो अलग रहता है, उसके वो कभी भी जो है हालचाल पूछने या देखभाल करने में विश्वास नहीं रखा उस दूसरे पुत्र ने। अब जब पिता ने विल लिखी तो अपने 90% जो संपत्ति है वो जो बेटा उनके साथ रहता था उनका ख्याल रखता था उसके नाम पे लिख दी। तो दूसरे बेटे ने विल को चैलेंज किया, उसने ये कहा कि ये विल मेरे पिताजी ने ही साइन करी है पर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में करी है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई थे वो बहुत क्लोज थे मेरे पिताजी से, तो वो इस पोजीशन में थे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज कर सकें, या मेरे पिताजी बहुत उम्र में थे इसलिए बहुत ज्यादा उम्र होने के बाद फिर वो जो दबाव में आ गए क्योंकि भैया उनके साथ में रहते थे, या जो भी देखभाल करता था तो वो देखभाल करते थे भैया इसलिए उनके एहसान तले दब के उन्होंने ऐसा किया, अदरवाइज वो इतना नहीं करते। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए कंडीशन है। ये सारी कंडीशन को कंसिडर करके महेश कुमार बाय लीगल हेयर्स, नारायण अम्मा वर्सेस मायम्मा, ऐसे कई सारे डिसीजन जो यहाँ पर मैंने कोट किए हैं, कोर्ट्स ने ये हेल्ड किया है कि मियरली ओल्ड एज होने से या क्लोजनेस ऑफ रिलेशन होने से या किसी का ख्याल रखा है एग्जीक्यूटर ने, तो इन सब कारणों की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज ही हुआ है। हो सकता है वो क्लोज हो पर इसका मतलब ये नहीं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज ही हुआ है। तो ये डिसीजंस हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिए गए हैं और इनको फिर विल्स के अंदर सक्सेशन में भी उपयोग किया गया है, और इनके बेसिस पे जो इस तरीके की जो विल्स चैलेंज हुई थी तो वो चैलेंजेस को डिसमिस भी किया गया है। तो ये जो अनड्यू इन्फ्लुएंस इन ग्राउंड्स पे किए जाते हैं या इन ग्राउंड्स पे चैलेंज किए जाते हैं तो दीज आर नॉट वैलिड ग्राउंड्स, इस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। देन एक नया कानून 2014 में आया था। 2014 में जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हमारे लोकसभा चुनाव थे, यूपीए गवर्नमेंट को 10 साल पूरे हो रहे थे और ये जो लोकसभा चुनाव थे इसके लिए कुछ प्रॉमिस करना जरूरी थे, कुछ देना जरूरी था सरकार को। तो सरकार ने 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसकी जगह एक नया एक्ट बनाया जिसका नाम बोलना और याद करना बहुत मुश्किल है इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म ही सब जगह कहा जाता है। यह है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रीहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। अब इस एक्ट के अंदर यह है कि पहले जो लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन किया जाता था वो पुराने एक्ट में किया जाता था, ये नए एक्ट में जब लैंड एक्विजिशन आया तो उन्होंने इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कर दी। उन्होंने कंपनसेशन बढ़ा दिया कि जो भी मार्केट वैल्यू उससे दुगना कंपनसेशन उसे मिलेगा व्यक्ति को, और इंटरेस्टिंगली ये जो कंपनसेशन मिलेगा ये केवल किसानों तक या एग्रीकल्चरल लैंड तक सीमित नहीं है, कोई अर्बन लैंड हो, कैसी भी कमर्शियल लैंड हो, कोई भी किसी भी प्रकार की लैंड या इमोवेबल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन अगर हो रहा है तो ये नए एक्ट के हिसाब से कंपनसेशन भी मिलेगा। और जो सबसे बड़ी चीज करी इन्होंने, सेक्शन 96 ले आए। सेक्शन 96 के तहत इस अर्बन हो या रूरल हो या कोई भी प्रकार की एग्रीकल्चरल लैंड का अगर एक्विजिशन हो रहा है, कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है, तो उस पे इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। मैंने सही कहा कि अर्बन लैंड क्यों ना हो, अर्बन कमर्शियल लैंड क्यों ना हो, अगर उसको भी गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर रही है तो राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट के सेक्शन 96 के तहत आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, साथ ही स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगेगी। ये इनकम टैक्स से पूरी तरह एग्जेम्पशन देता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जेम्पशन है। कई सालों में मैंने देखा कि अभी तक इसके प्रति जागरूकता लोगों की कम है। कई जगह जहां कंपलसरी एक्विजिशन इस नए एक्ट के तहत हुआ उसके बावजूद भी एसएससी
ने उनको इनकम ऑफर करके टैक्स ऑफर किया है, बाद में फिर 264 एप्लीकेशन लगाई और ऐसे कई सारे केसेस हुए। तो अगर इस नए एक्ट के तहत कोई भी कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है तो उस केस में आप ये मान के चलें कि इनकम टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा, देयर इज अ क्लियर कट एग्जेम्पशन। अब आप कहेंगे इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कहाँ लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट में कहीं नहीं लिखा, पर ये सेक्शन 96 इज ओवरराइडिंग ओवर द इनकम टैक्स एक्ट, और इनकम टैक्स एक्ट में फिर सीबीडीटी ने 2016 के अंदर इस एक्ट की सेक्शन 96 को एक्सेप्ट करते हुए एक सर्कुलर जारी किया, बोर्ड का सर्कुलर है, जहां पर इस पोजीशन को एक्सेप्ट किया कि कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड बाय द गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट देयर विल बी नो टैक्स। अब 1894 का एक्ट तो 2014 तक था, उसके बाद से नया एक्ट चालू हो गया, तो अब पुराने एक्ट में तो चलिए कोई एक्विजिशन नहीं होगा, पर कई बार ये भी सिचुएशन आ रही है कि इस एक्ट के तहत एक्विजिशन नहीं करते हुए मेट्रो रेलवे एक्ट या कोई भी दूसरा ऐसा जो एक्ट है उसके तहत एक्विजिशन कर रहे हैं। अगर किसी दूसरे एक्ट के तहत एक्विजिशन कर रहे हैं तो सेक्शन 96 तो मिलेगा केवल उन्हीं केसेस में जहां पर राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट के तहत हुआ। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो क्या किया जाए, ऐसी सिचुएशंस के अंदर अगर हमारा राइट टू फेयर कंपनसेशन में नहीं हो रहा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, दो भाई हैं एक्स और वाई, एक्स भाई की जमीन राइट टू फेयर कंपनसेशन के अंदर एक्वायर हो रही है और वाई भाई की जो लगी हुई जमीन है वो मेट्रो रेलवे कंस्ट्रक्शन एक्ट के अंदर एक्वायर हो रही है, तो एक्स भाई को 1 करोड़ रुपए मिले, वो पूरे टैक्स फ्री हो गए, और जो वाई भाई था उसको मेट्रो रेल के अंदर जो मिला वो 1 करोड़ रुपए सेम मिला, पर उसके ऊपर उसको आप मान के चलिए कि 22% टैक्स देना पड़ गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कंपनसेशन भी पहले अलग अलग मिलता था, जब कंपनसेशन अलग मिलता था तो इसके ऊपर डिस्कशन हुआ कि भैया दो व्यक्ति सिमिलर सिचुएशन पे हैं, तो आप एक व्यक्ति को कंपनसेशन एक एक्ट में आने की वजह से ज्यादा मिल रहा है और दूसरे व्यक्ति को दूसरे एक्ट में आने की वजह से कंपनसेशन कम मिल रहा है, तो ये तो नाइंसाफी है और ये आर्टिकल 14 जो इक्वेलिटी है उसका वॉयलेशन है, तो देयरफोर ये चीज प्रिवेल नहीं होगी, और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट केस में बहुत अच्छी फाइंडिंग दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फाइंडिंग दी थी कि अगर कोई भी कंपनसेशन की बात आ रही है जो अलग अलग तरीके से निकाला जा रहा है तो फिर उसमें आप अलग अलग व्यक्ति की वजह से आप डिस्क्लेमर नहीं कर सकते, अगर अलग अलग व्यक्ति हैं पर आपको इक्वेलिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनसेशनरी एक्विजिशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक पॉलिसी की वजह से अगर आप कोई भी कंपलसरी एक्विजिशन कर रहे हैं तो उस केस में फिर आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर देते। इसमें एक अच्छी फाइंडिंग जो है वो मैं आपको रीड करना चाहूंगा, इट इज इक्वली इमटेरियल वेदर इट इज वन एक्विजिशन एक्ट और अनदर एक्विजिशन एक्ट अंडर विच द लैंड इज एक्वायर्ड इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ टू एक्ट इनेबल्स द स्टेट टू गिव वन ओनर डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर अनदर इक्वली सिचुएटेड द ओनर हु इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट कैन क्लेम द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 14। ये डिसीजन को कंसिडर करते हुए फिर ये जो हमारा एक्ट था राइट टू फेयर कंपनसेशन, इसमें एक फोर्थ शेड्यूल इंसर्ट किया गया जिसमें 13 एक्ट लगाए गए, और उसमें कहा गया कि ये जो 13 एक्ट हैं, लैंड एक्विजिशन, माइंस एक्ट, मेट्रो रेलवे, नेशनल हाईवे, रेलवे एक्ट, ये सब जो एक्ट हैं, इन सब को भी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट ऑफ, इन सब चीजों के लिए जो नया एक्ट है उसमें जो बेनिफिट्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे, पर यहां पर सेक्शन 96 की कहीं बात नहीं होगी। तो सिचुएशन इसके अंदर ये अराइज होती है कि अगर सेक्शन 96 की बात नहीं हुई, बाकी चीजों के लिए आप सारे बेनिफिट कॉन्फर कर रहे हैं, तो सेक्शन 96 इज अ मेजर बेनिफिट, और द कोर्ट्स विल टेल, ऐसी कहीं भी सिचुएशन होती है तो सेक्शन 96 का बेनिफिट इन सारे एक्ट के तहत कोई भी कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है जो राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट के रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर के फोर्थ शेड्यूल में 13 एक्ट लिखे हैं, भले ही उनमें भी क्यों ना एक्विजिशन हो, उसके अंदर भी ये एग्जेम्पशन मिलना चाहिए अगर कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है। क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है कि मेरी लैंड कौन से एक्ट के अंदर अक्वायर हो, गवर्नमेंट एक्स एक्ट की जगह वाई एक्ट में अक्वायर कर रही है तो वो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है,
सो देयरफॉर इन केसेस में अगर कहीं भी कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप रिट में जाके इसको चैलेंज कर सकते हैं। इट वुड डिपेंड कितना अमाउंट है, क्वांटम है, क्योंकि नॉर्मली जहां कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है वहां बहुत अच्छा कंपनसेशन लोगों को मिल रहा है। तो ये भले ही अर्बन लैंड हो, रूरल लैंड हो, एग्रीकल्चरल हो, नॉन एग्रीकल्चरल हो, उनमें इस एक्ट का फायदा लिया जा सकता है। देन कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल एक्ट, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हम सब जानते हैं सेक्शन 138 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा पैसा बचाने के लिए। अगर मैंने किसी को चेक दिया अगेंस्ट एनी डेट और लाइबिलिटी जो लीगली एनफोर्सिएबल है, मैंने चेक दिया उसे अगेंस्ट एनी बोरोइंग टेकन, मैंने उससे पैसे लिए और उसको सिक्योरिटी में चेक दिया, अब मुझे जो चेक लगाना था उसकी चेक की तारीख से 6 महीने के अंदर मुझे लगाना है, अगर मैंने उसके उस पीरियड में लगा दिया और वो चेक डिसऑनर होके अनपेड वापस आ जाता है मेरे पास में, ऐसे केसेस के अंदर मैं उसे स्टेट्यूटरी नोटिस दूंगा 30 दिन के अंदर जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरा चेक वापस आ गया है। आजकल SMS भी आ जाता है आपको, तो आप ये नहीं बोल सकते कि चेक जब डाक से आया तभी मुझे मालूम पड़ा। अगर आपको SMS भी आ गया कि आपका चेक रिटर्न हो गया है तो उससे 30 दिन के अंदर आपको उसको सामने वाले व्यक्ति को नोटिस देना पड़ेगा फॉर पेमेंट। अगर 30 दिन के अंदर वो पेमेंट उसे वो 30 दिन में जिस भी तारीख उसे मिला, सपोज मैंने उसे नोटिस दिया 25वें दिन और से मिला 6 दिन बाद, तो जिस तारीख को उसे मिला उसके 15 दिन में उसे पेमेंट करना है। अगर वो नहीं करता तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसके ऊपर केस लगाया जाएगा और केस में उसे जो पनिशमेंट है 2 साल तक की जेल या चेक का जो अमाउंट था उसका दुगुना अमाउंट फाइन या दोनों, ये पनिशमेंट जो है कोर्ट डिटरमाइन करेगी। ये 138 की जो पनिशमेंट थी, इस वजह से हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है बहुत कुछ रेगुलेटेड है और लोग चेक इसलिए देने में डरते थे। अब एक केस, पहले एक बहुत क्लियर कट धारणा मानी जाती थी कि हमें अगर चेक बाउंस हो रहा है और वो बाउंस हो रहा है केवल इस रीजन से कि या तो मेरे अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है या मैंने अमाउंट को पेमेंट को ब्लॉक स्टॉप पेमेंट कर रखा है, ये 2 कारणों से अगर ये चेक मेरा बाउंस होता है तो ही मैं 138 लगा सकता हूं। पर एक डेवलपमेंट ये हुआ 2013 के अंदर लक्ष्मी डायकेम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इस केस में लक्ष्मी डायकेम ने हाईकोर्ट में केस लगाया था और हाईकोर्ट में ऐसे 40 अलग अलग कंप्लेंट्स लगी थी। गुजरात हाईकोर्ट ये जो कंप्लेंट लगी थी जहां पर प्रोसिक्यूशन सामने वाले का केस लॉज हो गया था, FIR लॉज हो गई थी 138 की वजह से, तो वहां पर जो सामने वाली पार्टी थी जिसने जो लोगों का पैसा खा के बैठा था उस व्यक्ति ने हाईकोर्ट में 482 के अंदर एप्लीकेशन लगाई CRPC के। ये 482 के अंदर एप्लीकेशन आपकी प्रोसिक्यूशन के लिए FIR जो है उसको क्वेश करने के लिए लगाया जाता है। गुजरात हाईकोर्ट ने 40 जो कंप्लेंट थी FIR थी उन सबको क्वेश कर दिया। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर मिसमैच की वजह से वो चेक बाउंस हुए थे। ये सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने डिसीजंस, पुराने लॉ सबको डिस्कस करते हुए एक अलग इंटरप्रिटेशन निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार से बदमाशी बढ़ेगी और हमारा जो इस एक्ट का उद्देश्य है वो फुलफिल नहीं होगा। तो पहली बार एक यूनिक डिसीजन 2013 में आया सुप्रीम कोर्ट का, लक्ष्मी डायकेम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विच हैज गिवन अनदर इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल होल्डिंग दैट देयर इज आल्सो नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 138 व्हेन चेक गेट्स बाउंस्ड ऑन अकाउंट ऑफ सिग्नेचर नॉट बीइंग कंप्लीट और नो इमेज फाउंड या सिग्नेचर मिसमैच हुई है। अगर कोई भी सिग्नेचर के डिफॉल्ट की वजह से भी है तो भी अब 138 लगेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है लक्ष्मी डायकेम। So the law of land with regard to negotiable instrument act has gone a turbulent change. इसमें पुराना जो decision था विनोद तन्ना versus जाहिर सिद्दीकी, इसको गुजरात हाई कोर्ट ने फॉलो किया था। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही फाइंडिंग दी थी कि अगर सिग्नेचर मैच नहीं हो रही है तो 138 नहीं लग सकता। पर बाद में 2002 के डिसीजन को अब ओवर रूल किया जा चुका है, 2013 का लक्ष्मी डायकेम का डिसीजन, और उनमें ये फाइंडिंग अब क्लियर कट दे दी है।
हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने क्वेश कर दिया और जो सारी कंप्लेंट थी उनको रीइंस्टेट कर दिया गया। तो ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट है एंड चेंज इन लॉ है। इसके बाद नेगोशिएबल में दूसरा हम केस देखते हैं, एक मिस्टर बी शिवमूर्ति थे, उन्होंने मिस्टर हिमांशु जो डायरेक्टर थे लक्ष्मी सीमेंट के उनको कुछ पैसा उधार दिया। हिमांशु जी ने पैसा उधार लिया और उन्होंने जो चेक दिया लक्ष्मी सीमेंट का चेक साइन करके इनको दे दिया। अब लक्ष्मी सीमेंट का चेक साइन करके दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तो शिवमूर्ति ने केस लगाया मिस्टर हिमांशु पे कि भैया आपका चेक बाउंस हो गया तो 138 क्यों ना लगाया जाए। कंप्लेंट फाइल हुई, कंप्लेंट को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में केस गया हिमांशु वर्सेस बी शिवमूर्ति का, और वहां पर हिमांशु जी ने कहा कि भैया ये चेक किसका था, लक्ष्मी सीमेंट का कंपनी का चेक था, कंपनी का चेक बाउंस हुआ और आपने केवल मुझे पार्टी बनाया है, आपने कंपनी को पार्टी नहीं बनाया है, तो आपकी कंप्लेंट गलत है, आपको कंपनी को पहले पार्टी बनाना था फिर मेरा नाम आता। और यह क्वेश्चन का सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया है कि बात सही है, क्योंकि पार्टी नहीं बनाया गया, कंपनी को यहां पर भी चेक आपको मिला है, अगर कंपनी का चेक है तो कंपनी को भी पार्टी बनाना जरूरी है, केवल सिग्नेटरी को पार्टी बनाने से काम नहीं चलेगा। तो आपने अगर कंपनी को पार्टी नहीं बनाया तो वो केस स्ट्राइक हो गया, वो केस खत्म हो गया। इसलिए कुछ ऐसी जो छोटी छोटी त्रुटियां हो सकती हैं इसमें विशेष ध्यान दें। इसके बाद कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर आपको पीडीसी दिया है, पोस्ट डेटेड चेक दे रखे हैं, और आपका लोन था, आपको सिक्योरिटी में दिए थे, आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, पैसा दे नहीं रहा है वो, तो अगर आप पीडीसी भी लगा देते हैं और पीडीसी डिसऑनर हो रहे हैं, उन केसेस में भी 138 लगेगी आपको। पीडीसी आपको सिक्योरिटी के लिए दिया था, तो हम देखें इससे चेक का जो लॉ है वो कितना स्ट्रांग होते जा रहा है। तो अगर डिसऑनर ऑफ पोस्ट डेटेड चेक भी है कोई दिक्कत नहीं, उन केसेस में भी आप 138 लगाने के लिए एंटाइटल्ड हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है संपेली सत्यनारायण राव वर्सेस इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब एक केस ये होता है कि हमने स्टॉप पेमेंट अगर कर दिया है तो 138 लग जाएगा, पर अगर मेरा अकाउंट बैंक ने किसी कारण से ब्लॉक कर रखा है या इनकम टैक्स ने मेरा अकाउंट अटैच कर दिया है और मैंने चेक दिया हुआ था उसका, उसमें से चेक बाउंस होके आ रहा है, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय द अपेलेंट असेसी, और उस केस में 138 का केस नहीं लगाया जा सकता। तो अगर अकाउंट ब्लॉक्ड है बाय द बैंक और एनी अदर, उन केसेस में अगर वो बाउंस होता है तो उसमें आपका ये जो 138 का प्रोविजन है ये नहीं लग पाएगा। देन मुझे 30 दिन में, जब मुझे मालूम पड़ा कि चेक बाउंस हो गया, मुझे 30 दिन के अंदर अंदर सामने वाले को नोटिस देना था, मैं 30 दिन में नोटिस नहीं दे पाया, 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, डिले हो गई, डिलेड के केस में जो लीगल नोटिस है मैंने अगर लेट दिया है तो मेरी कंप्लेंट जो है 138 के अंदर फाइल नहीं होगी, वो कंप्लेंट मेरी रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्ट में 30 डेज का टाइम दे रखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अमित कुमार मिश्रा वर्सेस द स्टेट गवर्नमेंट के केस में ये क्लियर कट फाइंडिंग दी है कि अगर डिलेड नोटिस है तो उस केस में फिर मेरी कंप्लेंट क्वैश हो जाएगी। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही चेक बाउंस होता है आपको डिसीजन लेना पड़ेगा विद इन 30 डेज में कि आपको कंप्लेंट लगानी है या नहीं लगानी है। कहीं भी कुछ हो तो आप कंप्लेंट भले लगा दें, आप उसको प्रेस ना करें, पर आपका अगर टाइम निकल गया 30 दिन का तो फिर आप का वो समय वापस नहीं आ पाएगा। देन कई बार ये होता है, मैंने 30 दिन में नोटिस तो दे दिया, अब उसको मिला उसके 10 दिन के अंदर ही मैंने कंप्लेंट फाइल कर दी, तो वो प्रीमैच्योर कंप्लेंट हो जाएगी, क्योंकि उसके 15 दिन का समय देना था मुझे पेमेंट करने के लिए। अगर मैंने 15 दिन के अंदर ही उसको जमा पेमेंट देने के लिए 15 दिन का समय था उसके अंदर ही मैंने कंप्लेंट फाइल कर दी, तो वो मेरी कंप्लेंट वैलिड कंप्लेंट नहीं है, वो प्री मैच्योर कंप्लेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसेस में हेल्ड किया है कि ये प्री मैच्योर कंप्लेंट इज नॉट टेनेबल, ये क्वेश कर दी गई। इसलिए ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो हमें ध्यान रखना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केस में कई बार ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकती है।
कुछ ऐसे भी केस होते हैं कि मेरे पास 10 चेक थे और 10 चेक बाउंस हो गए एक ही ट्रांजैक्शन के, तो मुझे एक कंप्लेंट में 4 चेक को मैं कंसिडर कर सकता हूँ। अगर मेरे 10 चेक हैं तो मुझे 3 कंप्लेंट इस केस में फाइल करनी पड़ेगी, अगर सब सेम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हैं। एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एक कंप्लेंट में मैं 4 चेक से ज्यादा इंक्लूड नहीं कर सकता हूं। ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन कहाँ का होगा? तो जिसने चेक लगाया है ड्रॉई, मैंने चेक बना के दिया मैं ड्रॉअर, जिसने चेक लिया वो ड्रॉई, वो अपनी बैंक में चेक लगाएगा जहां पर वो चेक बाउंस होगा। तो जहां पर उसका चेक बाउंस हुआ है उसकी बैंक जहां पर है केस वहां पर लगेगा, ज्यूरिसडिक्शन वहां पर है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसमें सारे केसेस को डिस्कस करते हुए दशरथ रूप सिंह राठौड़ का केस है, वेयर इट इज हेल्ड प्लेस साइटस और वेन्यू ऑफ जुडिशियल इंक्वायरी एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंस मस्ट बी लॉजिकली रिस्ट्रिक्टेड टू वेयर द ड्रॉई बैंक इज लोकेटेड। सिमिलरली अगर मैंने ब्लैंक चेक दे रखा है, उसमें नाम नहीं दे रखा है और वो चेक बाउंस हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, ब्लैंक चेक है, तो अगर ऐसा कोई कंप्लेंट में आपने लगा दिया, अगर ड्रॉई नेम इज नॉट रिटन इन द इंस्ट्रूमेंट, तो फिर उस इंस्ट्रूमेंट को चेक नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन निखिल पी गांधी के केस में। देन अगर मैं केस लगा रहा हूं, कंपनी पे लगा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में लिखना पड़ेगा, उनके ऊपर ये आक्षेप लगाना पड़ेगा, एवरमेंट लगाना पड़ेगा कि दे आर पर्सन इन इंचार्ज ऑफ बिजनेस। अगर मैंने केस लगा दिया और उनके नाम लिख दिया और ये नहीं लिखा कि ये पर्सन का रोल है बिजनेस चलाने में, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि चेक बाउंस होने में उनका रोल हो, पर अगर बिजनेस के इंचार्ज है वो, दे आर पर्सन इन इंचार्ज ऑफ बिजनेस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये मुझे अपनी कंप्लेंट के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा है तो फिर उनके अगेंस्ट में मैं केस नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ए के सिंघानिया में यहाँ पर फाइंडिंग है, इट इज नॉट नेसेसरी टू एलेज एंड प्रूव दैट इनफैक्ट द डायरेक्टर हैड एनी स्पेसिफाइड रोल, पर मुझे ये एवरमेंट तो लगाना पड़ेगा कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस। अब मेरा चेक बाउंस हो गया, मैंने सामने वाले को जेल भिजवा दिया, वो जेल से आ गया, बोले हो गया काम खत्म, अब काय के पैसे देने, जेल में होके तो आ गया मैं नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कुमारन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बोल दिया कि भले ही वो जेल होके आ गया हो, फिर भी उससे पैसे जो लेने हैं वो तो लेने ही हैं, और जो पैसा है कंपनसेशन है दैट इज स्टिल रिकवरेबल, आप उससे जो है ये कह के नहीं छूट सकते कि मैंने सजा भुगत ली है 138 की, तो वो अमाउंट फिर भी पेबल रहेगा, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। अब एक नया और सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, ये कोर्ट में अगर कोई एप्लीकेशन लग गई तो मोरेटोरियम चालू हो जाता है एडमिट होने से, तो क्या मैं चेक बाउंस के केस भी अलग लगा सकता हूँ नेगोशिएबल में? ये सवाल उठा कि मोरेटोरियम पीरियड में क्या कोई, जब मोरेटोरियम पीरियड में कोई केस नहीं लग सकते तो क्या मैं 138 का केस लगा सकता हूँ? तो यहाँ पर इन्होंने हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करके कहा है कि इंसॉल्वेंसी कोड और इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर आप जिनके चेक बाउंस हुए उनके अगेंस्ट में 138 लगा रहे हैं तो वो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, आईबीसी और नेगोशिएबल के अंदर कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, भले ही कोई आईबीसी की एप्लीकेशन पेंडिंग हो, मोरेटोरियम पीरियड शुरू हो गया हो, स्टिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 138 लगाया जा सकता है। मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन है 2020 का। अब एक कंडीशन आ गई थी 2018 के अंदर कि अगर आपको 138 के अंदर आपके ऊपर सजा सुना दी गई, आपको अपील करना है उसके अगेंस्ट में, तो अपील करने के लिए मिनिमम 2018 में प्रोविजन आया 20% अमाउंट, मिनिमम 20%, उससे ज्यादा भी कोर्ट प्रिस्क्राइब कर सकती है, प्री डिपॉजिट करना जरूरी है। और अगर ये जो कंडीशन है, आप कहेंगे कि मेरा केस तो 2018 के पहले का था जो अभी तक चल रहा है और कोर्ट ने आपको बोल दिया डिपॉजिट करने का, तो आप कहेंगे कि अमेंडमेंट तो प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस करके सुरेंद्र सिंह देसवाल के केस में हेल्ड किया कि ये जो सेक्शन है ये प्रोसीजरल सेक्शन है, क्योंकि अपील के केस में प्री डिपॉजिट है तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा, और पुराने केसेस में भी कोर्ट चाहे तो प्री डिपॉजिट के लिए कह सकती है। देन अब हम आते हैं पार्टनरशिप एक्ट की तरफ। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कई सारी चीजें रेगुलेटेड हैं, अनरेगुलेटेड हैं, चीजों पे ध्यान नहीं जाता, जाता है कब जाता है जब कोई थर्ड अथॉरिटी कुछ बोले। सवाल सिंपल सा है, क्या एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर
दो पार्टनरशिप मिलके एक तीसरी पार्टनरशिप बना सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है दुलीचंद वर्सेस सीआईटी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आपको पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए पर्सन होना जरूरी है। हु कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म? एनी पर्सन। वेदर अ पार्टनरशिप इज ऑल्सो अ पर्सन, सो इट कैन बी अ पर्सन फॉर सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ इट्स लीगल स्टेटस इट इज नॉट अ लीगल पर्सन। सो देयरफॉर पार्टनरशिप फर्म के केस में आप अगर दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर तीसरी फर्म बनाना चाह रही है तो दैट इज नॉट अ लीगल पार्टनरशिप, ये बाय मैटर ऑफ अ फैक्ट। कई केसेस में ऐसे हो रहे हैं कि दो पार्टनरशिप फर्म ने मिलकर तीसरी बना ली, पर जब उसको रजिस्टर कराने जाते हैं तो फिर समस्याएं खड़ी होती है, रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर नहीं करता, या आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा क्राइटेरिया है, तो दो पार्टनरशिप मिलके तीसरी लीगल पार्टनरशिप नहीं बना सकते हैं। फिर क्या हो सकता है, तो जो भी इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं दोनों फर्म के, वो मिलके फर्म के बिहाफ पे भले बना लें, पर लीगली पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अनदर पार्टनरशिप फर्म। सिमिलरली सबसे ज्यादा एक समस्या आती है HUF एज अ पार्टनर को लेके। HUF इज अनडाउटेडली अ पर्सन अंडर सेक्शन 231 क्योंकि इनकम टैक्स ने लिखा है, पर यहां पर भी वही एस्पेक्ट राम लक्ष्मण शुगर मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट कैन नॉट एंटर इनटू अ एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप विद एनी अदर HUF और इंडिविजुअल। उसका कर्ता भले ही अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहीं भी कुछ भी करे तो वो तो ऐसे भी कर सकता है, पर HUF पार्टनर नहीं बन सकता। और ये राम लक्ष्मण शुगर मिल्स के केस के बाद में रसिक लाल का केस भी आया, इन सारे केसेस को कंसिडर करते हुए फिर ये एस्पेक्ट ले डाउन हो गया कि MCA से भी पूछा गया तो MCA ने भी यही बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, कि HUF कैन नॉट बी अ पार्टनर इन इट्स कैपेसिटी, बट उसका कर्ता अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर पार्टनर हो सकता है, HUF की कैपेसिटी में पार्टनरशिप नहीं हो सकती। इस डिसीजन के रिपरकेशन जब आप देखिए, कई सारे बैंकों ने उनके HO से इंस्ट्रक्शन आने के बाद उन पार्टनरशिप फॉर्म जिनमें HUF पार्टनर है उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए, उन सब के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, अटैच कर दिए, इनऑपरेटिव कर दिए कि नहीं, पहले आप पार्टनरशिप डीड को अमेंड करके HUF को अपने पार्टनरशिप से हटाइए, तभी वो लीगल पार्टनरशिप बनेगी, तभी हम अकाउंट्स आपके रीइंस्टेट करेंगे, अदरवाइज हम उसको रीइंस्टेट नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर कोई HUF पार्टनर रहता है तो फिर आपको लोन भी बैंक नहीं दे देगी, CC लिमिट के अंदर भी समस्याएं आती हैं, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि बैंक के लिए ये लॉ क्लियर आ गया है कि आप HUF अगर किसी भी फॉर्म में पार्टनर है तो वो वैलिड फर्म ही नहीं है, इसलिए HUF भी पार्टनर नहीं बन सकता। पर जो पुराने केसेस हैं और जहां पर ये समस्या आ रही है, तो समस्या है तो सॉल्यूशन भी होना पड़ेगा। सेठ गोविंद राम शुगर मिल्स का एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, यहां पर उन्होंने बोला है कि कर्ता ऑफ एन HUF कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फैमिली। तो कहीं भी अगर ऐसी पुरानी पार्टनरशिप चल रही है तो आप सिंपली ये डिसीजन के साथ में अपना ओपिनियन दे दीजिए कि कर्ता ऑफ HUF कैन बी अ पार्टनर, तो इन ओपिनियंस के बेस पे कई बैंक्स ने अकाउंट्स को रिलीज कर दिए हैं, तो HUF पार्टनर नहीं हो सकता, बट कर्ता जो है थ्रू दिस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कैन बी अ पार्टनर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनटू द पार्टनरशिप। तो कोई नई पार्टनरशिप बन रही है तो उसमें HUF को इन्वॉल्व करके पार्टनरशिप न बनाए, पुरानी कोई है और उसमें अगर ये संभव न हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकें तो ये जो डिसीजन है गोविंद राम शुगर मिल्स का, इसको रिलाय करते हुए आप प्रपोजिशन बैंक को दे सकते हैं, CA का ओपिनियन दे सकते हैं, जिसके बेसिस पे CA एडवोकेट के ओपिनियन के बेसिस पे बैंक्स ने अकाउंट रिलीज किए हैं। देन LLP में कौन पार्टनर हो सकता है, तो केवल इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। MCA ने अपने सर्कुलर के अंदर क्लियर कट लिख रखा है इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कोई पार्टनरशिप फॉर्म भी LLP में पार्टनर नहीं हो सकती, केस में केवल इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट वही पार्टनर हो सकते हैं।
देन मूविंग अहेड कंपनीज एक्ट के कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। पहले ये होता था कि कंपनियां बन जाती थी और बहुत समय तक कंपनियां ऐसी की ऐसी पड़ी रहती थी, अब उसमें चेंज आ गया है। अब अगर कोई भी कंपनी बनने के बाद साल भर में अपने ऑपरेशन शुरू नहीं करती है, बिजनेस शुरू नहीं करती है, तो वो कंपनी को सेक्शन 248 के अंदर स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा, वो कंपनी का नाम कट कर दिया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा। इसके अलावा अगर कोई पुरानी फर्म है, पुरानी कंपनी है, जो दो साल, पिछले दो साल में उसने कोई भी बिजनेस या एक्टिविटी नहीं की है और उसने कंपनी देख में अप्लाई नहीं किया कि मुझे डोरमेंट घोषित कर दो, वैसी कंपनी का नाम भी स्ट्राइक ऑफ किया जा सकता है। अब यहां आप समस्या देखिए, कई सारी ऐसी कंपनीज है जिसमें लोगों ने जमीन खरीद के पटक रखी है, अब वो जमीनें कंपनीज के अंदर पड़ी हुई हैं और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई बिजनेस नहीं हो रहा, तो उन केसेस के अंदर आपने डोरमेंट के लिए भी अप्लाई नहीं किया तो उनको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है। तो आप चेक करें ऐसी कोई कंपनी आपके पास तो नहीं है, और अगर हो तो उसमें कुछ माइनर बेसिक एक्टिविटी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर बेसिक एक्टिविटी उनमें क्रिएट कर दी गई है तो उन केसेस में फिर ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी नहीं आएगी, आपकी वैलिड एक्टिविटी है। आप ये एक्टिविटी डिस्क्राइब करते हुए कंपनी के अंदर ये आप उसको स्ट्राइक ऑफ होने से बचा सकते हैं, और अगर स्ट्राइक ऑफ हो गई है तो उनको रीइंस्टेट करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन मूविंग अहेड टू द प्रेजेंटेशन, इन द नेक्स्ट स्लाइड यस नाउ द पीपीटी वुड बी विजिबल। स्ट्राइक ऑफ ऑफ कंपनी हमने देख लिया, इसके बाद क्या कोई कंपनी गिफ्ट कर सकती है? मैं अगर किसी, मेरा डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मेरे पास कोई फ्लैट था कंपनी के पास, कंपनी कह दे कि मैं इसको गिफ्ट करना चाहूंगा टू दिस व्यक्ति, क्या ये हो सकता है? तो ये अपने आप में बहुत लैंडमार्क डिसीजन है, इंडियन होटल वर्सेस भास्कर मोरेश्वर कर्वे। इसमें कंपनी ने अपना एक अपार्टमेंट था जो अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को दे दिया एट वेरी नॉमिनल रेट, और सवाल यही हुआ कि अगर कंपनी ऐसा करती है, कंपनी के पास क्या गिफ्ट देने का अधिकार है? और कंपनी अगर ऐसा कर रही है तो इसके शेयर होल्डर्स और पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध तो नहीं है? इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने फाइंडिंग दी कि ऑर्डिनरीली एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू अ कंपनी कैन ओनली बी इफेक्टेड एट देयर फुल इंट्रिंसिक वैल्यूज। कोई भी कंपनी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू से कम पे वो असेट किसी को नहीं दे सकती, किसी को गिफ्ट नहीं कर सकती। अगर ये किया है तो दैट इज अगेंस्ट द कॉमन प्रिंसिपल की कंपनी का एक अलग अपने आप में अस्तित्व है, तो कंपनी किसी को भी, कोई व्यक्ति कोई चीज गिफ्ट नहीं कर सकती। इसी को इनकम टैक्स में जब प्रिंसिपल को अप्लाई किया तो मोहता ब्रदर्स के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फाइंडिंग दी कि फैमिली सेटलमेंट में कंपनी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि कंपनी फैमिली का पार्ट नहीं है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कंपनी कोई गिफ्ट नहीं कर सकती फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव। पर यहां पर अगर कोई छोटी क्लोजली हेल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वो अगर कहीं कोई गिफ्ट कर रही है तो ये आर्ग्यूमेंट जरूर लिया जा सकता है कि इट इज नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। शेयर होल्डर्स भी अगर एग्रीएबल हैं, शेयर होल्डर्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं तो फिर वो गिफ्ट का ट्रांजेक्शन होता है, पर अगर कोई भी शेयर होल्डर ऑब्जेक्ट कर दें तो फिर आपका ये जो गिफ्ट का ट्रांजेक्शन है ये इनवैलिड घोषित किया जा सकता है। देन कई बार ये होता है कि जैसे हमने विल के केसेस देखे हैं, विल हो गया या सक्सेशन के केसेस हो गए, वैसे ही एक कंपनी जब कन्वर्ट होती है LLP के अंदर तो उसकी सारी असेट्स LLP की असेट हो जाती है। क्या ये ट्रांसफर है? नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के बीच में, ट्रांसफर और डिवोल्यूशन के बीच में। ट्रांसफर करने के लिए मुझे कन्वेयंस की जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है,
और जहां भी इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होगा वहां पर स्टैम्प ड्यूटी आ जाएगी। वेर एवर द कन्वेयंस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट तो वहां पर स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाएगी। पर ये जो केस है जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कंपनी कन्वर्ट हो रही है एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में और कंपनी में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो यहां पर कंपनी की जगह अब LLP में वो सारी असेट्स आ जाएगी। क्या ये ट्रांसफर है? नहीं, ये डिवोल्यूशन बाय लॉ है। जब स्टैम्प ड्यूटी के परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा हुई तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में केस गया जो थोड़ा सा उल्टा था। यहां पर एक पार्टनरशिप कंपनी बनने जा रही थी पार्ट 9 के अंदर जो लॉ के तहत ही है, सिमिलरली LLP कन्वर्जन भी लॉ के तहत ही हो रहा है। तो वहां पर कहा गया कि यहां पर कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, देयर इज अ स्टैट्यूटरी वेस्टिंग ऑफ असेट्स। असेट अपने आप बिना किसी एग्रीमेंट, बिना किसी कंसिडरेशन, बिना किसी राइटिंग में रिटर्न एग्रीमेंट के अपने आप वो सारी असेट्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो पार्टनरशिप है उससे कंपनी की हो गई थी। तो यहाँ पे कोई कन्वेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। सेम रेशियो जब कंपनी से LLP बनती है उसमें भी एप्लीकेबल है। और वल्ली पट्टाभिराम राव वर्सेस श्री रामानुज जिनिंग एंड राइस फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के केस में आंध्र प्रदेश का यह हाईकोर्ट आज भी वैलिड है। अगर इसको चैलेंज किया जाए, अगर कहीं भी कंपनी से LLP में कन्वर्जन हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी है और अगर स्टैम्प ड्यूटी के लिए नामांतरण के समय स्टैम्प ड्यूटी का डिमांड किया जा रहा है, तो ये डिसीजन के बेसिस पे हम चैलेंज कर सकते हैं। अगर स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज नहीं मानती तो इसमें एक रिट पिटीशन फाइल करके हम स्टैम्प ड्यूटी सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी का अपने आप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देन अब हम बात करें किराएदारी की। किराएदारों को बचाने के लिए, किराएदारी को बचाने के लिए कई कानून बने। रेंट कंट्रोल एक्ट बना, आप किराएदार को ऐसे ही बेदखल नहीं कर सकते। वैसे ही अगर कोई बहुत लंबे समय से किराएदार रह रहा है तो उसके टेनेंसी राइट्स बन जाते हैं, उनको सेफगार्ड किया जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या मैं कहीं किराएदार हूँ और मेरा कोई दूर का रिश्तेदार है, मैं उसे वो किराएदारी विल कर सकता हूँ? कैन आई बिक्विट इट? तो यहाँ पर जो कोर्ट्स ने डिस्कस किया है कि किराएदारी जो है नॉर्मल केस में आप विल अवे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस पे अधिकार उसका रहेगा। इसका पर्पस क्या है टेनेंसी राइट को बनाने का? कि जो लोग रह रहे हैं वो बेदखल ना हो, उनके लिए है। तो अगर आपके परिवार में दूसरे लोग हैं, आपके कोई रिश्तेदार रह रहे हैं, आप भले ही टेनेंसी आपके नाम पर है पर रह दूसरे लोग भी साथ में रहे हैं, तो आप किसी तीसरे व्यक्ति को वो टेनेंसी ट्रांसफर नहीं कह सकते। जो उसमें रह रहे हैं उनका उस पर पहला अधिकार है, उनको टेनेंसी मिलेगी। दे विल बी योर लीगल हेयर फॉर द पर्पज ऑफ टेनेंसी ओनली। आपके दूसरे कितने भी लीगल हेयर हो, पर ये जो टेनेंसी राइट है इनके केस में आपका जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं उसके, आप उनके बेनिफिट, उनको इसका लाभ मिलेगा। आप बिल में किसी को टेनेंसी राइट नहीं दे सकते। पर कोई लीज होल्ड राइट और टेनेंसी राइट में फर्क है। लीज होल्ड लैंड तो हम लेते हैं, टेनेंसी राइट क्योंकि प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, लीज होल्ड राइट के लिए ऐसा नहीं है। लीज जो लंबी सरकार भी देती है, पट्टे पे जमीन देती है, उसका पर्पज अलग है। तो लीज होल्ड राइट को आप विल अवे कर सकते हैं, पर टेनेंसी राइट को आप विल अवे नहीं कर सकते इस तरीके से। सिमिलरली लीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, जनरल रेडियो। मैं लीज थी मेरी एक्स कंपनी में, मैं वाई कंपनी में मर्ज हो रहा हूँ, एक्स कंपनी वाई कंपनी में अमलगमेट हो रही है और नई कंपनी वाई कंपनी बन रही है, तो ऑटोमेटिक सारी असेट्स लाइबिलिटीज हाईकोर्ट के ऑर्डर से ट्रांसफर हो जाती है। तो क्या मेरा ये जो लीज होल्ड राइट्स है, टेनेंसी राइट्स है, ये भी ट्रांसफर हो जाएंगे? नहीं, जब तक मेरा जो लेसर है उसकी परमिशन नहीं है, उसकी परमिशन के बिना इवन अमलगमेशन के केस में बाय वे ऑफ लॉ भी वो ट्रांसफर राइट नहीं होंगे और मेरी लीज कैंसिल हो जाएगी अगर मैंने परमिशन नहीं ली है। तो कई बार जब हम अमलगमेशन करते हैं, मर्जर करते हैं, अगर उसमें कोई ऐसी असेट जो लीज होल्ड है तो बिना लेसर की परमिशन के हम ये नहीं कर सकते हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण हमने देखा है, कई सारे बिजनेसेस मर्ज होते हैं तो उनकी फैक्ट्री हमारे यहाँ जैसे उद्योग AKVN है, उससे लीज होल्ड लैंड है, तो AKVN की परमिशन के बाद ही हम उस मर्जर को करें। अदरवाइज अगर वो मर्जर हो जाता है और हमने लीज होल्ड के लिए परमिशन नहीं ली तो फिर वो नई कंपनी के केस में डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है।
अमालगमेशन के केसेस के अंदर भी, इसलिए कहीं भी अमालगमेशन हो रहा है तो वहां भी ये एस्पेक्ट को हम ध्यान रखें, हमारी लीज खत्म हो सकती है अगर हमने लेसर की परमिशन के बिना वो मर्जर अमालगमेशन कर दिया है तो। दिस इज हेल्ड इन सुप्रीम कोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ जनरल रेडियोस। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर कोई भी सूट फाइल करना है हमें जो अकाउंट से रिलेटेड है, कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, डिक्लेरेशन डिक्री मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, रिकवरी ऑफ लॉ सूट है, तो उसके लिए 3 साल का पीरियड है। इसीलिए हम नॉर्मली लिमिटेशन एक्ट को 3 साल का मानते हैं, पर वो केवल इन चीजों के लिए 3 साल है। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजिशन हमें लेना है तो 12 साल तक हम केस फाइल कर सकते हैं, लिमिटेशन पीरियड उसके अंदर 12 वर्ष है। और अगर कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पोजीशन लेना है तो उसमें तो 30 साल की लिमिटेशन पीरियड। अगर कोई सीपीसी सीआरपीसी में अपील करना है तो 30 से 90 दिन का पीरियड है। और सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि अगर आप इन पीरियड के अंदर नहीं कर पाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं टू एक्सटेंड, अगर आपके पास कोई रीजनेबल कॉज है, कोई प्रॉपर कॉज है, तो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इसको एक्सटेंड करने के लिए समय बढ़ा सकता है। तो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब अपीलें हमारी डिलेड हो जाती हैं इनकम टैक्स में जीएसटी में, तो उन केसेस में भी हम सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का हवाला देके वो डिले को कंडोन करवा सकते हैं, भले ही उस एक्ट में कहीं कुछ ना लिखा हो। देन मूविंग अहेड, एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आ गया है सूरज लैंप्स एंड इंडस्ट्रीज का। ये भी अपने आप में एक लैंडमार्क डिसीजन है जिसने बहुत कुछ चेंज कर दिया। क्या हो गया था, एक दिल्ली हाईकोर्ट के डिसीजन में कोर्ट ने फाइंडिंग दे दी थी कि आजकल तो जो पावर ऑफ अटर्नी पे ट्रांसफर और ये सब बहुत कॉमन हो गया है, इसको रिकग्नाइज कर लिया गया है। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ही गुस्से में आ गई। सुप्रीम कोर्ट बोले ये क्या चल रहा है, इस तरीके की माल प्रैक्टिसेस हम कब तक एक्सेप्ट करेंगे। पहले जो अलग अलग प्रकार से ट्रांसफर होते थे, आपने पावर ऑफ अटर्नी दे दी और ट्रांसफर मान लिया, या पावर ऑफ अटर्नी के अलावा आपने रजिस्टर्ड विल लिखवा ली अपने नाम पर और उसको ट्रांसफर मान लिया, तो इस तरीके से बहुत सारी प्रैक्टिसेस चलती थी। आप स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए, इनकम टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी इस तरीके से पावर ऑफ अटर्नी पे ले लेते थे। ये सब को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही हार्श वर्ड्स में लिखा, पावर ऑफ अटॉर्नी इज नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इन रिगार्ड टू एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से कोई सेल एग्रीमेंट आपने कर लिया, उसको रजिस्टर नहीं कराया, रजिस्टर सेल एग्रीमेंट हो गया और सेल जो डीड है रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं है अगर वो, तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। द पावर ऑफ अटॉर्नी इज क्रिएशन ऑफ एजेंसी वेयर बाय द ग्रांटर अथोराइजेस द ग्रांटी टू डू सम एक्ट्स। मैंने किसी को कुछ कार्य करने के लिए अपना पावर दिया है, इट इज रिवोकेबल हो या इरिवोकेबल हो, इस पावर ऑफ अटॉर्नी से मेरा टाइटल ट्रांसफर नहीं होता। इसमें और आगे गए ये, इन्होंने विल पे भी कहा, कई बार विल से ट्रांसफर कर लिए जाते थे, तो विल अपने आप में तभी इफेक्टिव होती है, उसकी वैल्यू तभी है जब वो व्यक्ति दिवंगत हो जाता है, उसके पहले विल का कोई अर्थ नहीं है। तो उस व्यक्ति के जीते जी भले आपने रजिस्टर्ड विल करवा ली हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, विल के थ्रू आप ट्रांसफर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसमें तो कुछ और चीजें भी फाइंडिंग दी इन्होंने कि अगर जिसने विल बनाई है और वो अविवाहित था और विवाह के बाद वो विल उसकी अपने आप रिवोक हो जाती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, किसी व्यक्ति के विवाह के पहले विल बनी और उसका विवाह अगर हो गया तो विवाह के बाद उसे दूसरी नई विल बनानी पड़ेगी, उसकी पुरानी विल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। साथ ही विल रजिस्टर्ड हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ की भाषा में रजिस्ट्रेशन ऑफ विल डज नॉट मेक इट एनी इफेक्टिव। इन्होंने जो फाइंडिंग दी, अ सेल एग्रीमेंट और जनरल पावर ऑफ अटर्नी और विल ट्रांजेक्शन डज नॉट कन्वे एनी टाइटल नॉर क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये बहुत क्लियरली लेट डाउन कर दिया कि इससे कहीं भी कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो जाता उस प्रॉपर्टी के अंदर। और अब ये सूरज लैंप के डिसीजन के बाद में इन्होंने इन ट्रांजेक्शन के ऊपर और सख्ती करते हुए यह भी लेट डाउन कर दिया कि अगर ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो ट्रांजेक्शन आपका बेनामी के अंदर कवर हो सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने इस तरीके की दे रखी है
तो बेनामी लॉ के अंदर वो कवर हो जाएगा। देयरफोर हम देखें कि अगर ऐसा कहीं भी कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो सूरज लैम्प के डिसीजंस के आधार पर उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये सूरज लैम्प के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि कोर्ट ने अपनी एक पैरा 16 के अंदर फाइंडिंग दी थी, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपको। इट इज द टाइम दैट वी एंड इज पुट टू सच पेरनियस प्रैक्टिस ऑफ सेल एग्रीमेंट, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और बिल। दीज काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस विच आर कॉल्ड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी सेल्स, ये आगे नहीं होनी चाहिए, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ में फिर ये सवाल उठा कि अगर इसको खत्म करना जरूरी है और अगर इसको खत्म नहीं किया गया है, पुराने केसेस ट्रांजेक्शन इसके कर लिए गए हैं, उन केसेस के अंदर क्या होगा? तो अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शंस हैं उन केसेस पे ही अप्लाई नहीं होगा ये डिसीजन को कोर्ट ने, क्योंकि अपने आप में एक सब्सटेंटिव डिसीजन है, अपने आप में इससे सारा लॉ चेंज हो रहा है, इसीलिए उन्होंने ये कहा गया कि इस डिसीजन को हम प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन देंगे। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का अर्थ क्या? तो अक्टूबर 2011 के पहले ये डिसीजन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके पहले अगर कोई ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट हो चुकी है, तो उन केसेस के अंदर फिर हमें इसका बेनिफिट जो पुराने ट्रांजेक्शन वो इनवैलिड नहीं होंगे। और आज के समय में जो भी ट्रांजेक्शन है ये पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अगर आप करने जा रहे हैं तो इट इज वेरी रिस्की। अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ट्रांजेक्शन है तो वो प्रॉपर्टी आपने जो ले रखी है वो आपकी कॉन्फिस्केट हो सकती है गवर्नमेंट के द्वारा अंडर बेनामी एक्ट, उसको राजसात किया जा सकता है। इसलिए ये सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज का जो डिसीजन है वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये अपने आप में इट हैज ब्रॉट अ पैराडिग्म चेंज टू ऑल दोस टाइप ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी सेल्स। तो ये अपने आप में ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कोई बहुत डिटेल नॉलेज शायद नहीं दिया हो, पर मैंने ये प्रयास किया है कि आपको मैं वो इम्पोर्टेंट चीजें दे दूं जो रोजमर्रा के लिए हमारे लिए जरूरी हैं, जिन चीजों का हमारे डे टू डे बिजनेस के ऊपर, हमारे डे टू डे लाइफ के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता हो, वो सारी चीजें और जो नए डेवलपमेंट हुए हैं जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का बताया, उन चीजों के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास मैंने किया है। मैं आभारी हूँ टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का, मनोज गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर, जिन्होंने मुझे सब्जेक्ट पे प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए पेशेंट हियरिंग। थैंक यू पंकज भाई फॉर सच ए नाइस डेलिब्रेशन। बहुत सारे टॉपिक्स आपने जो हैं वो कवर किए, और थैंक यू टू ऑल दी लिसनर्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पंकज भाई। कोई क्वेरी सर हो तो अपन कंसीडर कर। क्वेरी एक थी सर पीके गुप्ता साहब की, व्हाट विल बी द अमाउंट, व्हाट विल बी द अबाउट ऑटोमेटिक क्लियरेंस ऑर्डर गिवन बाय बोरोवर। सर शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो ईसीएस के लिए हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं बैंक को, उस केस में क्या होगा 138 के लिए, सपोज इनसफिशिएंट फंड रहता है तो, मेरे ख्याल से उस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहे हैं। उसमें भी 138 लग सकेगा, जो मेरा प्राइमा फेसी व्यू है, इसमें एक्सपर्ट भी तो कोई लॉयर दे पाएंगे, पर प्राइमा फेसिली उसमें भी 138 लग पाएगा, क्योंकि आपने जो स्लिप साइन करके दी है ईसीएस की, दैट इज एज गुड एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है वो कवर होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो कवर होगा। बस बाकी कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच अ पेशेंट हियरिंग।